हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मसाला आलू पोहा बनाने वाला हूँ। ये ब्रेकफास्ट की डिश है, बहुत ही सिंपल एंड इजी, घर पे बना सकते हैं। और ये बेसिकली पॉपुलर जो डिश है ये महाराष्ट्र की कुजीन है। अगर आपको ये मेरी डिश अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और कुछ कॉमेंट्स है, यू कैन राइट सम कॉमेंट्स अबाउट डिश ऑल्सो एज वेल। मसाला आलू पोहा के लिए पोहा को नॉर्मल पानी में 3 से 4 बार छलनी के अंदर धोना है और धो के उसको रखना है छलनी के अंदर ताकि उसका पानी निकल जाए। और जब आप जब भी कभी पोहा खरीदते हो तो आप अच्छी तरह देखिए, वो ज़्यादा पतला नहीं हो, थोड़ा सा मीडियम टू थिक होना चाहिए। इसका पानी निकल जाए, अच्छी तरह ड्रेन हो जाए, तब तक इसकी दूसरी सामग्री तैयार करते हैं। कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देंगे। ये ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हुआ है या नहीं उसको चेक करने के लिए 1-2 पीस मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं ताकि पता चल जाएगा ऑयल गर्म हो। जैसे ऑयल गर्म होता है उसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। अभी ऑयल गर्म प्रॉपरली हुआ नहीं है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर राई ऐड करेंगे। ये देखो राई जैसे ही थोड़ी गर्म होगी अब इसके अंदर करी लीव्स ऐड करेंगे थोड़े से, यानी करी पत्ते, और इसके अंदर चॉप किए हुए अनियंस ऐड करेंगे और उसको पकाएंगे। अनियंस को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको सॉफ्ट कुक हो जाए उस तरीके से पकाना है। इस तरीके से इसको अनियन को पकाते रहिए और जो फ्लेम है इसकी मीडियम टू सिम रखनी है, नहीं तो जलने का डर रहेगा। और इस तरीके से हिलाते रहिए, थोड़ा सा अनियन पक जाएगा उसके बाद इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ये अनियन सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर चॉप किया हुआ ग्रीन चिली डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि हल्की सी ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च पक जाए। इस तरह से इसको मिक्स करना है। और पोहा जो है ब्रेकफास्ट के लिए सबसे इजी डिश बनाने वाली है, कम ऑयल के अंदर बनती है। तो इस तरह से 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। अब इसके अंदर छोटे क्यूब किए हुए पोटैटो ऐड कर देंगे और इसको कुक करेंगे इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करके। और इसके अंदर सॉल्ट थोड़ा ऐड करेंगे, तो इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करता हूँ और 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी ऐड करके इसको मिक्स करके कवर से ढक देंगे और आलू को कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अब इसको लिड से हटा दिया है, उसको देखेंगे। ये देखिए आलू पक चुके हैं। अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूंगा, यानी लाल मिर्च, और आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूंगा और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ी टाइम इसको और पकाएंगे ताकि मसाला जो है चिली और यानी रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च धनिया अच्छी तरह पक जाए। ये मसाला पक गया है, अब इसके अंदर चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड करूंगा और इसको थोड़ा और पकाऊंगा टोमेटो ताकि उसका टोमेटो का कच्चापन निकल जाए। और इसको मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। टोमेटो के साथ मसाला अच्छी तरह पक चुका है, अब इसके अंदर पोहा ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह पोहा ऐड कर दिया है। 1 से 2 स्पून शुगर और इसके अंदर 1 लेमन जूस जो स्क्वीज किया हुआ, ये लेमन नींबू का जूस में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसके अंदर रोस्टेड किए हुए पीनट्स यानी मूंगफली डालेंगे और आप कच्ची भी मूंगफली तेल के अंदर फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। मैं उसकी बजाय रोस्ट की हुई मूंगफली डालता हूं और थोड़ा सा इसके अंदर
पानी डाल के और ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए पका देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। बहुत ही सिंपल है और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा आप चेक करके डाल सकते हैं। मसाला आलू पोहा इज़ रेडी टू सर्व नाउ।